Okay, good morning to all of you. So, in this first class of SFM, you have been provided with volume 1. Okay, if you open to page number D at the beginning, you find that altogether we have 6 volumes. The syllabus is covered in the first 4. Dikh raha hai aapko volume 1, portfolio management and mutual fund, jo aapke haath mein hai. Volume 2 mein there are 3 topics, security analysis, security valuation, mergers. Volume 3, foreign exchange. Volume 4, derivatives risk management. That covers the curriculum. Yahan pe khatam ho gaya. Volume 5 mein theory hai, theek hai? Or mock test papers hai, which you will prepare when your exam approaches. And volume 6 mein ek revision book hai. Okay, it's a revision book because class attend karne ke baad bhi last mein jaake it becomes too difficult to revise because bahut jyada cover ho gaya to difficult hota hai, so you require some summary notes and all. Kuch log apne aap prepare kar lete hai notes, but some people require help, because of which the last volume usme mapping kiya hua rahega कि हर एक टॉपिक का ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव सम्स कौन से है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन देम टुवर्ड्स द एंड. ठीक है ना? सो दीज आर द वॉल्यूम ऑफ बुक्स विच विल बी गिवन टू यू इन अ पीसफुल मैनर. अब जो पेपर है एसएफएम का न्यू सिलेबस, दिस पर्टिकुलर बैच इज ओनली फॉर द एसएफएम न्यू सिलेबस. तो बाई चांस कोई भी यहाँ पे या कहीं बाहर क्लास कर रहे हैं इस बैच में, तो ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट अगर क्लास कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव परफॉर्मेंस हो जाएगा. ठीक है? तो दिस इज ओनली फॉर द न्यू सिलेबस ऑफ एसएफएम, नॉट फॉर द ओल्ड सिलेबस. ठीक है? इन माय लास्ट बैच सम एरर्स वे कमिटेड इन सम सेंटर्स, जहां पे लोग ओल्ड सिलेबस के न्यू में ज्वाइन कर लिए थे. ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए, देर आर डिफरेंट. नाउ ये जो न्यू सिलेबस का पेपर है उसमें वी हैव ऑल टूगेदर 6 क्वेश्चंस विल कम इन द एग्जाम, एंड 6 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो 20 × 5 इज इक्वल टू 100. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी एज यूजुअल, उसके बाद रिमेनिंग 4 आउट ऑफ 5. ओके, दिस इज द पैटर्न इन द न्यू सिलेबस. हर क्वेश्चन में एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, बाकी क्वेश्चंस में नॉर्मली देर आर थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ क्वेश्चंस. यूजुअली द स्प्लिटअप कैन बी सपोज 12 and 8 और 15 and 5, कि 15 नंबर का प्रैक्टिकल है, 5 नंबर का थियरी है, या 12 और 8 हो सकते हैं. तो बिकॉज ऑफ विच अल्टीमेटली जाके 30 मार्क्स करीब का थियरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा. ओके, यू विल हैव टू अटेम्प्ट थियरी ऑफ अराउंड 30 मार्क्स. दिस इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू जो ओल्ड एसएफएम था, जिसमें दे यूज टू बी अ लास्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन ऑफ थियरी, जो कि ऑप्शन में लोग छोड़ देते थे. तो इन द ओल्ड एसएफएम थियरी वाज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. बाय चांस प्रैक्टिकल में फंसे तो थियरी करना पड़ता था, बट स्टूडेंट्स यूज टू अंडरस्टैंड दैट बेसिकली प्रैक्टिकल के थ्रू हो जाएगा. बट न्यू एसएफएम में थियरी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बट द गुड थिंग इज दैट जो थियरी टॉपिक्स न्यू सिलेबस एसएफएम में है वो क्लियरली फोरकास्टेबल है. मतलब वन कैन इजिली फोरकास्ट थियरी में क्या क्या आएगा. ठीक है? सच दैट मतलब इट्स नॉट लाइक सब चीज में से कुछ भी आ सकता है. देन नो स्पेसिफिक चैप्टर्स दे रखे हैं, उनमें से इनको देना ही पड़ेगा बिकॉज टू मेक द पेपर रिप्रेजेंटेटिव. तो जो मॉड्यूल नंबर वॉल्यूम नंबर 5 था ना, जो दिखा रहा था वॉल्यूम नंबर 5, उसमें थियरी टॉपिक्स जो दिए हुए हैं, इस्लामिक फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस, एसएमई, सिक्योरिटाइजेशन एटसेट्रा, वो सारे टॉपिक से ही थियरी आएगा. इस टर्म में भी आया था और दे विल बी रिपीटेड बिकॉज दे आर सेपरेट चैप्टर्स. तो इंस्टीट्यूट हैज टू कवर द इंटायर करिकुलम, सो दे विल हैव टू गिव. तो थियरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी है. इजी इसलिए बिकॉज फोरकास्ट करना ईजी है. ठीक है ना? ऑब्वियसली जो अपने वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 में करेंगे उसके अंदर से भी थियरी आ सकता है, बट बहुत कम. ओके, द स्कोप इज लेस. ठीक है ना? ज्यादा थियरी जो है जो वॉल्यूम 5 में करेंगे उसी से आएगा. ठीक है? तो वैसे मैं बीच में चैप्टर के अंदर बताते जाऊंगा कि कौन सा पोर्शन है जिससे थियरी पॉसिबल है, बिकॉज सपोज वी आर डूइंग सम प्रैक्टिकल और उस प्रैक्टिकल से एकदम रिलेटेड थियरी है, तो वो थियरी तो लास्ट में नहीं करेंगे ना, चैप्टर के साथ कर लेंगे. तो आई विल बी मार्किंग यू डाउन कि भाई ये थियरी क्वेश्चन है जो आपको ध्यान भी रखना है लास्ट में. ठीक है? सो दिस वॉज रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न. ठीक है? तो
70 मार्क्स प्रैक्टिकल हो गया, 30 मार्क्स थियरी हो गया, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने को एंटर करना है. एक पेपर केवल अभी तक हुआ है, वी आर टेकिंग दिस बैच इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि मे का जो पेपर है दैट्स द ओनली पेपर विच इज अवेलेबल फॉर द न्यू सिलेबस. और वो पेपर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था, उस पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था. एनी स्टूडेंट हु हैज डन कॉम्प्रिहेंसिवली, उस स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए उस पेपर में. पर जो ओल्ड सिलेबस का पेपर आया था मई 18 में, वो बहुत डिफिकल्ट आया था, विच वॉज सरप्राइजिंग. न्यू सिलेबस का स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था. इसलिए एक चीज समझ के रखना चाहिए कि क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टर्म में पेपर कैसा आता है दैट डज नॉट डिसाइड अपॉन कि आपके टर्म में क्या होगा. सम ऑफ यू माइट बी हैविंग योर अटेम्प्ट इन मई 20, नवंबर 20 या 21 में भी किसी का होगा, और किसी का हो सकता है इसी नवंबर में हो या मई 19 में हो. तो अलग अलग टर्म्स के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. वी ऑब्वियसली वॉन्ट टू अटेम्प्ट ओनली वंस, एक बार ही अटेम्प्ट करना है. और इस मेंटेलिटी के साथ आपको कंप्लीट कवरेज करना पड़ेगा. अगर कोई सिलेक्टिव कवरेज कर रहा है तो बच सकता है लकीली एकदम, बिकॉज क्या पता आपके टर्म में सिलेक्टिवली ईजी वाला पार्ट आ गया, बट दैट गारंटी नोबडी कैन गिव. ठीक है. तो और प्लस ओवरऑल एग्जाम का पर्पज क्या है, कि आपको पूरा नॉलेज आए जो कि काम आए. ठीक है ना. SFM पेपर इज द मास्टर पेपर फॉर बोथ द इलेक्टिव्स ऑफ ग्रुप टू. मैंने इलेक्टिव्स में तो आप इंटरनेशनल टैक्सेशन सिलेक्ट कर सकते हो, आप IFRS कर सकते हो, आप लॉ वाला पेपर कर सकते हो, या फिर फाइनेंस का दो पेपर कर सकते हो, विच इज रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केट. तो ये पांच में से एक चुनना पड़ेगा इलेक्टिव. तो SFM पेपर के बिना वो इलेक्टिव नहीं हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग वी लर्न इन SFM फॉर द पर्पज ऑफ दोज इलेक्टिव्स. इसलिए उन इलेक्टिव्स में नंबर ऑफ क्लासेस कमती रखती है, बिकॉज दे फ्लो फ्रॉम SFM. ठीक है ना. सो यू विल हैव टू एट योर अप्रोप्रिएट टाइम टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग विच इलेक्टिव पेपर टू परस्यू. ठीक है ना. उसके बारे में इस बार जब इलेक्टिव आया था तो मैंने एक YouTube में वीडियो डाला था रिगार्डिंग पेपर का कंपोजिशन कैसे था वगैरह. और उसके अलावा वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे. Somebody इज वेरी इंटरेस्टेड इन टैक्स, तो उसको इंटरनेशनल टैक्स लेना चाहिए. अकाउंटेंसी में IFRS लेना चाहिए. फाइनेंस में लेंगे तो कैपिटल मार्केट इज ऑन द स्टॉक मार्केट साइड, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑन बैंकिंग साइड. ठीक है. तो रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा प्रैक्टिकल पेपर है, कैपिटल मार्केट थोड़ा थियोरेटिकल पेपर है. ठीक है ना. सो इट वॉज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. क्लासेज में अपने डिक्टेटेड क्लासेज है, विच मीन्स आफ्टर एक्सप्लेनिंग समथिंग मैं उसका ब्रीफ डिक्टेशन करूंगा. ठीक है. सो दैट आपको स्ट्रेस नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा, जब मैं बोल रहा हूँ कुछ छूट जाएगा. डोंट हैव दैट स्ट्रेस. कैलकुलेटर्स वगैरह एकदम रिक्वायर्ड है क्लास में. ठीक है. तो यू गॉट टू यूज द कैलकुलेटर, आपको यूज करना भी चाहिए जिससे एक रिदम आए. बिकॉज इवन दो 30 मार्क्स का मैंने थियरी बोला, पर फिर भी अपने को समझना पड़ेगा कि 30% एफर्ट थियरी में नहीं चाहिए. आई सेड 30 मार्क्स का थियरी आएगा, पर आपका पूरा एफर्ट का 30% थियरी में नहीं चाहिए. मार्क्स और एफर्ट आर टू डिफरेंट थिंग. एफर्ट वाइज मैं बोलूंगा थियरी में 5% 10% स्मार्ट एफर्ट से वो 30 मार्क्स का थियरी हो जाएगा. आई यू अंडरस्टैंडिंग. एंड 90% एफर्ट तो आपका प्रैक्टिकल में जाने वाला है. ठीक है ना. तो इसलिए क्लासेस में, खासकर शुरू में वॉल्यूम 5 के पहले, तो प्रैक्टिकल टोन है अपना. वी आर स्टडिंग फॉर द पर्पस ऑफ क्रैकिंग दोज सम्स विच विल कम. तो आपको कैलकुलेटर्स वगैरह एकदम रिक्वायर्ड है. ठीक है ना. उसके अलावा CA इंटरमीडिएट IPCC, ओके, उसका कोई नॉलेज का प्रिजम्पशन यहाँ पे है नहीं. वी आर नॉट प्रिज्यूमिंग दैट IPCC में आपका ये किया वो किया हुआ है. ऑल्दो द फैक्ट इज दैट आपका कंप्लीट किया हुआ IPCC, उसका FM किया हुआ बैठे हो, तो कुछ नॉलेज तो अंडरस्टैंडिंग चैप्टर्स का है, बट फिर भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. बेसिकली चेंज क्या हुआ कि देर इज अ फील्ड इन फाइनेंस कॉल्ड कॉरपोरेट फाइनेंस. कॉरपोरेट फाइनेंस नाम का एक एरिया होता है जिसमें चार चैप्टर्स आते हैं. एक होता है पैसा कहाँ से उठाएं, वो पूरा IPCC में था, फंडिंग डिसीजन. ठीक है ना. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर. उसके अलावा पैसा कहाँ लगाएं, उसमें दो एरिया है. एक है कैपिटल बजटिंग, एक है वर्किंग कैपिटल. वो दोनों IPCC में था. इनफैक्ट कुछ कैपिटल बजटिंग ओल्ड सिलेबस में फाइनल में था, पर उसको अब तो न्यू सिलेबस में पूरा IPCC में डाल दिया CA इंटर में. यानी देयर इज नो कैप बच एट फाइनल. ठीक है. उसके अलावा पैसा जो कमा ली है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें या रिटेन करें, डिविडेंड पॉलिसी. तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है ये सारे CA इंटर में चले गए हैं जो पहले फाइनल में थे. ठीक है. तो अब ये सब चैप्टर्स अपने नहीं है. ठीक है. वी हैव ऑल द एलिगेंट स्टफ. एलिगेंट मतलब जो थोड़ा सा हायर लेवल माना जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह वगैरह. ठीक है. SFM में थोड़ा सा मैथ इन्वॉल्व है. मैथ
पर मैथ का मतलब हुआ ज्यादा अल्फा बीटा गामा का बात नहीं कर रहे हैं, बट देर इज मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन SFM, जैसे थोड़ा स्टेटिस्टिक्स काम आते हैं, प्रोबेबिलिटी कभी कभी बीच में काम आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन काम आते हैं, पर उसके लिए मेरे को कोई अजम्पशन नहीं चाहिए कि आपका मैथ अच्छा था ना। तो कोई भी स्टूडेंट का जरा सा ही मन में डाउट वगैरह हो कि नहीं मेरा तो मैथ में गड़बड़ था यार, ये तो मैथ का सब्जेक्ट है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका एटीट्यूड सही रहेगा, ठीक है। तो बिकॉज एवरीथिंग आई टीच, आई नॉट प्रिज्यूम दैट आपका ये किया वो किया हुआ, बट यू हैव टू हैव अ एक्सेप्टेंस एटीट्यूड कि हाँ यार नंबर्स है, मैथ्स है, थोड़ा लगेगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस जो अपने आज से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मेरे को दो चीज कवर कराना है, क्योंकि उसके बिना मैं किसी चैप्टर में जा नहीं सकता हूँ। पहला चीज जो कवर कराना है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एप्लीकेशन, यानी कि जो आप लोग इंटर में डिस्काउंटिंग फैक्टर ये सब करते थे ना, उससे रिलेटेड स्टफ। जब वो स्टफ करवा रहा हूँ क्लास में तो मेरे को पता है अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर तो है नहीं ना सिलेबस में, तो इफ वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन टू इट तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरे को टू द पॉइंट बताना पड़ेगा और जस्ट इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको कंफर्ट लगे अपने जो बाद में यूज करने वाले हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर नहीं है पर उसका काम बहुत ज्यादा है, तो आई कांट स्ट्रेट अवे गो इन टू अ चैप्टर। और दूसरा जो मैं बीच में स्टेटिस्टिक्स इंडिकेट कर रहा था ना, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, तो उसका जहां जहां काम आगे आने वाला है वो भी पहले से ही बता रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में दो चीज कवर कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स, अंडरस्टूड। तो ये दोनों पता होने से आगे जाके अपने सारे चैप्टर्स में यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज ये कंफ्यूजन नहीं हो किसी को, कैलकटा वाले में तो नहीं होते, बाहर जो लोग क्लास करते हैं देर इज नो चैप्टर ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी या स्टेटिस्टिक्स, तो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज हर चैप्टर में काम आने वाला है, फिर वहां दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में दो चीज कवर होगा, एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड क्या, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। जो कुछ मैंने काम का बोला है वो एक बार लिख लेते हैं, प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी। तो कॉपी में लेट्स राइट डाउन पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न हेडिंग दे दिए और उसमें पॉइंट नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी एंड अटेम्प्ट फोर आउट ऑफ रिमेनिंग फाइव, फोर आउट ऑफ रिमेनिंग फाइव। तो सब बिजनेस नंबर के हो गए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी, अटेम्प्ट फोर आउट ऑफ द रिमेनिंग फाइव। पॉइंट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन डैश 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर वन डैश 20 मार्क्स विल बी अ प्रैक्टिकल, विल बी अ प्रैक्टिकल, विल बी अ प्रैक्टिकल। शुरू का 20 नंबर प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। अब वो एक सिंगल सम आ सकता है, पर जनरली ऐसा करते नहीं है लोग, तोड़ के देते हैं 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, वैसे जिससे कि ये लोग सिलेबस को रिप्रेजेंटेटिव कर सके। अगर एक सम दिए तो एक ही चैप्टर से आ गया ना, तो नॉर्मली मेरे को नहीं लगता है 20 नंबर का सम आएगा, दे विल ब्रेक द सम एंड गिव, बट देन दे हैव द लिबर्टी टू गिव अ 20 मार्क्स सम, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। पॉइंट नंबर थ्री, out of the remaining questions, comma, most of them will have theory plus practical, तो मेरे को लिखाना पड़ा मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि मैं तो जो ही बोल पा रहा हूँ वह इस बार जो पेपर आया था उसके बेसिस पे बोल पा रहा हूँ। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 20 के 20 का प्रैक्टिकल था, तो अगर तुमने वो वाला सिलेक्ट किया तो वहाँ पे आपका थियरी का जो मैं 30 मार्क्स बोला परहैप्स इट बिकम्स 22 या 23, बट क्या वो तो डिपेंड करता है ना कि थियरी के साथ वाला प्रैक्टिकल ईजी था कि अलग से प्रैक्टिकल ईजी था, समझ गए। तो थोड़ा सा डाइसी एरिया है, वो देखना पड़ता है। ऑफकोर्स सिंस थियरी इजी है तो थियरी में ही मार्क्स मैंने फुल टाइप मिलेगा, यू विल गेट ऑलमोस्ट फुल मार्क्स इन थियरी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स कम हो जाएगा इफ यू अटेम्प्टिंग थियरी,
समझ गए? पॉइंट नंबर फोर, वी एक्सपेक्ट अराउंड 30 मार्क्स थियरी, वी एक्सपेक्ट अराउंड 30 मार्क्स थियरी एंड इट इज इजी टू फोरकास्ट, एंड इट इज इजी टू फोरकास्ट द एरियाज फ्रॉम विच, एंड इट इज इजी टू फोरकास्ट द एरियाज फ्रॉम विच थियरी विल कम. इट इज इजी टू फोरकास्ट द एरियाज फ्रॉम विच थियरी विल कम. Areas from which theory will come. Now once again I mean to say something over here. Areas ka matlab hai kaun se area se aaya. For example, there is a topic called securitization. Securitization ka ho sakta hai koi aur subject ke karan aapka knowledge bhi ho. FM mein bhi theory aata tha securitization pe, jahan pe ek special purpose vehicle hota hai aur wo loans ko ikattha karke uske against pe securities issue karta hai in case kiya hua hai. तो प्रॉब्लम ये है सिक्योरिटाइजेशन में, सपोज पांच थियरी क्वेश्चन है, एक में पूछेगा व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन, तीसरा है व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन सिक्योरिटाइजेशन, चौथा है व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. तो यानी कि जब आंसर करेक्ट होगा तो उसमें जो तो लिख देंगे सिक्योरिटाइजेशन में तो मार्क्स नहीं मिलेगा कि हमको तो आईडी एचएल बना के लिख दे, तो देन द मार्क्स विल गो डाउन. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा है और मेरे को उसका पॉइंट्स आता है क्या, टू फेच फुल मार्क्स बिकॉज दे विल करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट्स. अंडरस्टूड? तो मैं वो जस्ट इंडिकेट कर रहा हूं कि एरियाज पता है पर एरियाज के अंदर भी सब पार्ट्स है तो वो बढ़िया से प्रिपेयर करना पड़ेगा, देयरफॉर डेडिकेटेड थियरी प्रिपरेशन होगा. ठीक है? तो ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है करिकुलम, हेडिंग लिख दो करिकुलम. तो करिकुलम में एक एरिया जो है वो स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है. ठीक है? स्टॉक मार्केट्स में जनरली बोल रहा हूं कम्युनिकेशन के लिए, एक्चुअली बोला जाए तो स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ठीक है, इवन रियल एस्टेट जो होता है, कमोडिटीज, इन सब से कनेक्टेड देयर इज वन एरिया. ठीक है? जो अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो एरिया को अपने दो पार्ट में या तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इनफैक्ट दो पार्ट में करने दो. वन पार्ट इज सर, एक पर्टिकुलर स्टॉक बढ़िया है या खराब है वो आप कैसे डिसाइड करते हैं, वेदर उसको बाई करें कि सेल करें, तो एनालिसिस ऑफ सिंगल सिक्योरिटी. दूसरा हो गया, अपने तो केवल एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते नहीं है, अपने तो मिला के वी इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो, वी इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो. तो हाउ डू यू मैनेज द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज? तो ये दो एरियाज हो गया. नंबर वन एक हो गया एक सिक्योरिटी का एनालिसिस और दूसरा हो गया एक पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट. जो सिक्योरिटी का एनालिसिस है उसमें वैल्यूएशन है. फॉर एग्जांपल, वी आर ट्राइंग टू वैल्यू अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है और वो अपना 20-30% स्टेक डाइल्यूट करके पैसा उठाना चाह रहे हैं, तो उसके बदले उसको 20 करोड़ मिलना चाहिए कि 50 करोड़ या 100 करोड़, क्या मिलना चाहिए उसका वैल्यूएशन, जो कि आजकल CA fraternity में बहुत इंपॉर्टेंट काम है बिकॉज देर आर सो मेनी प्राइवेट कंपनीज हु आर गोइंग फॉर लिस्टिंग एट BSE एंड ऑल दैट. तो हाउ डू यू वैल्यू देम? ठीक है? तो वहां वैल्यूएशन आ गया और वही वैल्यूएशन से कनेक्टेड हो गया मर्जर्स एंड एक्विजिशन. बिकॉज मर्जर्स एंड एक्विजिशन में A लिमिटेड अगर B को अक्वायर कर रहा है तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना फॉर परचेस कंसिडरेशन. तो अकाउंट्स में जो करते हैं वो मोर बुक बैलेंस शीट वाइज है, SFM में जो है मोर फोरकास्टिंग वाइज है. ठीक है? पर आपको पता चला एरिया कि एक एरिया जो है मार्केट से कनेक्टेड है और मार्केट में दो हो गया, एक हो गया एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का और दूसरा हो गया पोर्टफोलियो का. ठीक है? तो यू विल फाइंड वॉल्यूम वन ना पोर्टफोलियो है और वॉल्यूम टू क्या है? इंडिविजुअल सिक्योरिटी. ठीक है? तो ये फर्स्ट एरिया हो गया. तो पॉइंट नंबर वन लिख दे अपने, रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स, related to financial markets. तो related to financial markets का दो पार्ट कर रहा हूं. लेफ्ट साइड में आई एम राइटिंग एनालिसिस एंड वैल्युएशन, एनालिसिस एंड वैल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी
including M&A, mergers and acquisition, analysis and valuation of individual security, including mergers and acquisition, including mergers and acquisition. ये अपना volume 2 में था, ठीक है? This is volume 2. Okay, second वाले mat में होगा, volume 2. और second area है portfolio management and mutual funds. Portfolio management and mutual funds. And this is volume 1. ये वाला जो area है इसमें specialization के लिए इन्होंने FSCM का paper निकाला, जो financial service capital market है वो paper mainly इससे related है, इस area से, ठीक है? तो इसलिए SFM के base cabinet, it's not possible to go into that. ठीक है? तो ये वाले एरिया में जहां कॉम्प्रोमाइज हुआ तो उन्होंने स्पेशलाइजेशन के लिए एक पेपर निकाल दिया, फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट. नेक्स्ट, दूसरा एरिया, पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 जो है वो है कि फर्म्स आर फेसिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क, द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, करेंसी रिस्क, द रिस्क ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. अभी चल रहा है ना, ओके, डॉलर हैज वंस अगेन ट्राइड टू ब्रीच 70 लेवल, 68-69 पे चला गया. तो इससे जो भी जो इंपोर्टिंग फर्म्स है उनको बहुत लॉस हो रहा है, जो भी फर्म्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग उठा रखी है उनको बहुत नुकसान हो रहा है. तो ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क, इंटरेस्ट रेट का रिस्क, ठीक है? तो कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क, कोई कंपनी है रॉ मटेरियल बाई करता है, एयरलाइन कंपनी है वो फ्यूल बाई करता है, तो इफ ऑयल प्राइस हैव टच्ड $80 पर बैरल उनका क्या हाल हो रहा है, हाउ डू दे मैनेज दोज रिस्क, ठीक है? तो सेकेंड एरिया वैसे हो गया रिस्क मैनेजमेंट, बट इट्स ब्रोकन डाउन इनटू नंबर 1 फॉरेक्स, बिकॉज फॉरेक्स अलग से जानना पड़ेगा, नंबर 2 डेरिवेटिव्स, देन इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट. बट ओवरऑल क्या हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? और उसमें भी ये रिस्क मैनेजमेंट फील्ड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे फेल्ट कि एक पेपर SFM उसमें डाल के होगा नहीं, ठीक है? जिस तरह से बैंकिंग में फॉर एग्जाम्पल अभी PNB का स्कैम हुआ, तो इन दैट केस देयर इज अ टॉक अबाउट द फैक्ट दैट परहैप्स there should be risk management team in every branch of bank. So, अगर उस level का आपने बात कर रहे हैं, तो there is a lot of job opportunities that will open, okay, in the area of risk management, because of which dedicated paper अलग से बना दिया किस पे, risk management के ऊपर, ठीक है? तो point number 2, risk management. Risk management. तो रिस्क मैनेजमेंट में अपने 4 टॉपिक्स आ गए, ठीक है? एरो देके लिख दे रहा हूं, पहला फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है? तो ट्रेडिशनली पूरे जब से ओल्ड सिलेबस SFM था, उसके पहले माफा था, वो सब में फॉरेन एक्सचेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द SFM सब्जेक्ट, ठीक है ना? फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद डेरिवेटिव्स, ये जो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स, ये सब होते हैं डेरिवेटिव्स, उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, और उसके बाद अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट. तो मैंने हेडिंग भी रिस्क मैनेजमेंट लिया है बिकॉज ये उसी एरिया में फॉल करते हैं. तो जो फॉरेक्स है वो अपने वॉल्यूम 3 में है, फॉरेक्स इज इन वॉल्यूम 3, और जो बाकी तीनों है दीज आर इन वॉल्यूम 4. तो इट्स वेरी गुड टू understand on day 1 as to what is the curriculum, ठीक है ना? कि भाई curriculum में 2 part, एक stock market से related हो गया और एक risk management से related हो गया, ठीक है? तो number of topics as you can see are less, इसका मतलब हर topic में dig in is more, ठीक है? The topics are less. और last point number 3 लिख रहा हूँ, theory, ठीक है? थियरी है जो कि अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने शुरू में इंडिकेट कर दिया, ठीक है? डेडिकेटेड थियरी, इन सब से जो थियरी है ना, इन सब से, सब पोर्टफोलियो से थियरी आएगा क्या, डेरिवेटिव से, फॉरेक्स से, ये भी आ सकता है, चांसेस कम है. जहां जहां स्कोप होगा वो चैप्टर के अंदर ही लिखा देंगे, बता देंगे, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी होगा ये लास्ट वाला जो बोला था, फोरकास्टिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना? ओके, तो ये अपना पेपर पैटर्न हो गया और दूसरा अपना सिलेबस पता चल गया, ठीक है ना?
अब जैसे मैंने बोला दो चीज कवर करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, नंबर वन एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड नंबर टू एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पहला हेडिंग अपना एप्लीकेशंस, पार्ट वन कर दो या तो पार्ट वन एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एप्लीकेशंस ऑफ टीवीएम, मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टीवीएम लिख रहा हूं, एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी दैट इज टीवीएम। एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ओके डिस्कस कर रहे हैं। एक फाइनेंस कंपनी का, जैसे बैंक या फाइनेंस कंपनी का, एवरीथिंग इज मनी, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका जो फिनिश प्रोडक्ट है, एवरीथिंग इज व्हाट मनी। इवन नॉन फाइनेंस कंपनीज हैव टू बोरो, हैव टू इन्वेस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दे सेव, दे इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट्स टू अर्न अ सर्टन रेट ऑफ रिटर्न। देयरफॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हर टॉपिक में ही है जो सिलेबस में कर रहे थे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाइज वी शुड नो दिस, ध्यान दीजिएगा, एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, ओके गवर्नमेंट बॉन्ड है, और वो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उसका फेस वैल्यू 1000 है, उसका मैच्योरिटी 5 years है, 5 साल, उसमें कूपन रेट 0 है, यानी आपको कोई ब्याज नहीं देगा। इफ यू बाय द बॉन्ड, 1 साल बाद कुछ नहीं मिलेगा, 2 साल बाद कुछ नहीं, 3 साल बाद कुछ नहीं, 4 साल बाद कुछ नहीं, 5 साल बाद क्या मिलेगा, 1000। तो अपने बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है, जीरो कूपन, ZCB, इसका भी शॉर्ट नोट IPCC में आता था, जीरो कूपन बॉन्ड है। अपने ये बॉन्ड बाई करने का सोच रहे हैं, किसको खरीद लेते हैं, तो जाहिर है अगर मेरे को 5 साल बाद 1000 मिलने वाला है, तो आज अपने जो पे करेंगे वो 1000 का प्रेजेंट वैल्यू, 1000 का प्रेजेंट वैल्यू ना, तो 1000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको मन में पहले सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को इससे कितना रिटर्न चाहिए। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सपोज यू डिसाइड इट आई वॉन्ट 9% रिटर्न फ्रॉम इट पर एनम, 9% रिटर्न फ्रॉम इट पर एनम, तो इन दैट केस इफ यू इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ एक्स टूडे, यू वॉन्ट एक्स इंटू 1.09 power 5 after 5 years। अगर आपने x लगाया तो how much do you want after 5 years, x into 1.09 power 5। this is not a formula, I don't think an explanation is required for this, is it okay with us? x लगा रहे 9% per annum चाहिए, तो 5 साल बाद क्या चाहिए, x into 1.09 power 5, and that is equal to what, 1000 मिलने वाला है, तो x is equal to what, 1000 divide by 1.09 power what 5, इज इट ओके। ठीक है, इसको अपने प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं, पर वैसे होते हैं जो लोग का ये डाउट रहता है कि सर ये डिवाइड बाय 1.09 power 5 क्यों होता है। आपका नहीं है ये डाउट तो बहुत बढ़िया बात है, बट आई कांट सफर द सेम बिकॉज ऑफ विच मैंने थोड़ा स्लो करके बता दिया। अपने पुट कर रहे हैं एक्स, 1 साल बाद एक्स इंटू 1.09 चाहिए, एक भी पैसा मिला क्या, नहीं मिला, तो 2 साल बाद क्या चाहिए, स्क्वायर क्यूब पावर 4 power 5, और मिल रहा क्या है, 1000, तो x इज इक्वल टू 1000 का प्रेजेंट वैल्यू। ये जो 1000 का प्रेजेंट वैल्यू अपने करते हैं IPCC से, ये अपने करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर के हेल्प से, बिकॉज अगर ये 1000 में से हटा दे, ये जो बोर्ड पे बचा 1 divided by 1.09 power 5, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, ये 1 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू है, और इसको अपने बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर या फिर PVIF, डिस्काउंटिंग फैक्टर या फिर PVIF, एनीबडी फुल फॉर्म ऑफ PVIF, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है ना, जो आप लोग करते हो, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ, ये 1000 है, तो अपने करते हैं 1000 into what, DF, डिस्काउंटिंग फैक्टर, कौन सा, 9% comma 5, ठीक है। काफ़ी जन को हैबिट होगा कैल्सियम में निकालने का, तो प्लीज़ एक बार अपने तरफ से बताना डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है। डिस्काउंटिंग फैक्टर जिनको पता है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेटर में निकाल के बताएं प्लीज।
Yes, 0.649. Normally अपने 4 decimal में लेते हैं. 4 6499. Okay, 6499 के बाद क्या आ रहा है? 3. तो 6499 ही होगा. लेट्स गो फॉर एक्यूरेसी, नॉट फॉर कन्वीनियंस. तो 0.6499 का मतलब एक रुपया जो 5 साल बाद है उसके बदले मैं आज करीब 65 पैसा देने तैयार हूं. एक रुपया जो 5 साल बाद है उसके बदले आज हम 65 पैसा देने तैयार है. बिकॉज 65 पैसा देंगे तो मेरे घर पे 9% रिटर्न आ गया. तो एक के बदले 65 पैसा, तो 1000 के बदले कितना? 650. एक के बदले 65 पैसा, तो 1000 के बदले कितना? 650 ना. तो 1000 × 0.6499, तो इन दैट केस द आंसर इज 649.9. ठीक है. तो 649.9 इज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड टुडे. इफ यू पे दिस प्राइस, व्हाट विल यू गेट आफ्टर 1 ईयर? नथिंग. आफ्टर 2 ईयर्स? नथिंग. आफ्टर 3 ईयर्स? नथिंग. 5 साल बाद 1000 मिलेगा. एज ए बैंक में पैसा जमा किए थे, 1000 बन गया. क्या कमाए? 9%. क्या अर्न किए? 9% पर एनम. ठीक है. तो अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, रिमेंबर एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू मनी चल रहे हैं, टाइम वैल्यू मनी नहीं चल रहे. अपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट में अपने को कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ता है. वी हैव टू डिस्काउंट द कैश फ्लोज इन ऑर्डर टू नो कि कितना पैसा आज लगाएं अगर 9% कमाना है. तो डिस्काउंटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायर्ड है वो है द डिस्काउंट रेट. ये जो 9% था ना, वो 9% काम का है. उसके बिना तो पुल कर ही नहीं पाएंगे. इस एग्जाम्पल में 9% जो रिटर्न था वो रिस्क फ्री था. वो रिस्क फ्री इसलिए था बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन अ गवर्नमेंट बॉन्ड. कैन अ गवर्नमेंट बॉन्ड डिफॉल्ट? नो. तो इसका मतलब आप जब पैसा लगा रहे हो तो पैसा डूबने का तो कोई स्कोप नहीं है. तो इसका मतलब जो 9% रिटर्न था दैट वॉज रिस्की और रिस्क फ्री. रिस्क फ्री, रिस्क फ्री वर्ड इज ओके कि विदाउट रिस्क मेरे को 9% चाहिए. वही अगर एक कॉरपोरेट बॉन्ड बाई करते रहते, अ बॉन्ड इश्यूड बाय इस्पात, ठीक है. तो से इस्पात एक बॉन्ड इशू कर रहा है तो आपके मन में आता, नहीं यार ये तो डिफॉल्ट कर सकता है, क्या पता. तो उस केस में यू वुड डिमांड 9% या मोर देन 9 या लेस देन 9? मोर देन 9. आप 9% से ज्यादा मांगोगे. वो जो एक्स्ट्रा मांगोगे दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम. व्हाट इज दैट कॉल्ड? रिस्क प्रीमियम. अ प्रीमियम, अ कॉम्पेंसेशन फॉर बियरिंग रिस्क. कॉम्पेंसेशन फॉर बियरिंग रिस्क. इसका मतलब ऑब्वियसली ये अजम्पशन है और नेचुरल है कि वी अज्यूम दैट एवरीबडी इज रिस्क एवर्स. रिस्क एवर्स, एवर्स मतलब एवरीबडी लव्स रिस्क और हेट्स रिस्क. हेट्स रिस्क, वी ऑल हेट रिस्क, बट वी आर रेडी टू टेक रिस्क प्रोवाइडेड वी गेट द सेम रिटर्न या हायर रिटर्न. हायर रिटर्न, ठीक है ना. तो उस एक्स्ट्रा रिटर्न को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम. क्या बोलते हैं उसको? रिस्क प्रीमियम. तो सपोज यू वॉन्ट अ 12% रिटर्न फ्रॉम अ कॉरपोरेट बॉन्ड. तो उस केस में उसका प्राइस होता 1000 डिवाइड बाय 1.12 पावर 5. करेक्ट है? 9 के बदले 12 से टानते. या फिर जैसे अपने लिखते एग्जाम में 1000 × डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% 5. ठीक है, एक बार निकाल दें फिर से. 12% 5 का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? 0.5674 डिस्काउंटिंग फैक्टर है. क्या अगर अपने को 12% पर एनम कमाना है, 12% पर एनम, पर मिलेगा 1 रुपया ही, तब तो जाहिर है मेरे को कमती पैसा आज देना पड़ेगा ना. अगर 12% कमाना है तो आई एम रेडी टू पे 0.5674. तो 1000 के बदले 567.4. ठीक है. This is the price of the bond today. Sorry. तो जो 12% था अपने example में, that was risk free return या risk adjusted return? Risk adjusted. और जो 9% था वो क्या था? Risk free. दोनों words काफी easy है pickup करने में. Risk free return, risk adjusted return. ठीक है. Finally, अगर आप ये वाला bond buy करते हो, government bond, जो आपको 1000 देगा 5 साल बाद, तो आज आपके पास सोचो 1000 है, उसका एक सर्टेन परचेजिंग पावर है. माने आज 1000 रुपये से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, पर 5 साल बाद जो 1000 होगा उसका परचेजिंग पावर सेम है या गिरा हुआ है या बढ़ा हुआ है? गिरा हुआ है.
बिकॉज 5 साल में तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन, द प्राइस ऑफ गुड्स विल गो अप. तो इफ यू गो टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, यू विल बी एबल टू बाय लेस गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेम 5-1000. ये जो प्रॉब्लम है ना, वेन एवर यू इन्वेस्ट, यू नो दैट लेटर इन्फ्लेशन के कारण जो पैसा मिलेगा उसका परचेसिंग पावर क्या होगा, कम. और अल्टीमेटली पैसा का वर्थ तो यही है ना कि वो सामान बाई करने में काम आता है, अदरवाइज मनी इज नॉट वर्थ एट ऑल. तो अल्टीमेटली जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग को इन्फ्लेशन का डर होता है. दे ऑल्सो वॉन्ट अ कॉम्पेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन, कॉम्पेंसेशन फॉर इन्फ्लेशन. अभी अपने बात कर रहे थे कॉम्पेंसेशन फॉर बियरिंग रिस्क. अगर रिस्क लेंगे तो यार ज्यादा रिटर्न मांगेंगे, वरना हम नहीं बाई करेंगे. वैसे ही अगर हम इन्फ्लेशन सहने वाले हैं तो मेरे को ज्यादा रिटर्न चाहिए. इस एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में गवर्नमेंट बोला था कि मेरे को तो गवर्नमेंट क्या बोला, हम 1000 देंगे. यानी इन्फ्लेशन जो है ना वो तुम खुद सोच लेना, मेरे को मत बोलना कि इन्फ्लेशन हो गया आप ज्यादा दीजिए. तो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट आई विल पे यू 1000. यू प्लीज थिंक इन योर माइंड व्हाट एवर इन्फ्लेशन एंड यू टेल मी व्हाट रेट ऑफ रिटर्न यू वांट. तो यानी कि 9% जो आदमी बोला वो सोच के बोला होगा, इन्फ्लेशन सोच के ही तो बोला होगा. यानी कि इन्फ्लेशन सोचे बिना, विच मीन्स सपोज और एक बॉन्ड है जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड है, और एक बॉन्ड है जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड है पर वो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है. क्या है वो? इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड, एकदम स्पेशल टाइप का बॉन्ड है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड है. इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड बॉन्ड का मतलब हुआ कि इस बॉन्ड में गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम जो बाई कर रहे हो प्लीज इन्फ्लेशन का चिंता मत करो, हम तुमको 1000 तो देंगे ही, और जो भी इन्फ्लेशन हुआ इन 5 सालों में वो अलग से देंगे. तो आई एम द गवर्नमेंट, आई एम टेलिंग यू, यू आर बाइंग अ बॉन्ड राइट नाउ, आई विल पे यू 1000 एंड आई विल ऑल्सो पे यू वॉट एवर इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस. तो प्लीज मन में सोचते हुए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन मत सोचना, क्योंकि तो वो क्या मतलब इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन तो हम अलग से देने वाले हैं. तो इन दैट केस वुड यू रिक्वायर 9 और मोर देन 9 और लेस देन 9? लेस देन 9, बिकॉज 9 तो आप इन्फ्लेशन सोच के बोले थे, आपको केवल 1000 ही मिलने वाला था, आप सफर करने वाले थे, तो आप बोले मेरे को 9 चाहिए. इन्फ्लेशन अगर हटा दे तो शायद आपको 3 या 4 चाहिए. इंडिया में करीब इन्फ्लेशन 4.5% होता है. अगर वो हटा के बोले तो 3-4% चाहिए ना, कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ, आई एम सैक्रिफाइसिंग माई कंजम्पशन, आई नीड 3-4% रिटर्न, बट सिंस मेरे को इन्फ्लेशन सफर करने वाले हैं कहीं और पे, तो आई वॉन्ट 9%. नहीं, हम रिस्क भी सफर करने वाले, आई वॉन्ट वॉट 12%. अंडरस्टैंड द टोन, आई एम पुटिंग माई मनी, आई वॉन्ट सम मिनिमम रिटर्न, वो करीब 3-4% है. दूसरा, नहीं सर इन्फ्लेशन होने वाला है और प्रोटेक्शन नहीं है, सपोज प्रोटेक्शन नहीं है तो आई वॉन्ट +5%. नहीं सर रिस्क भी है, पैसा डूब सकता है, तो आई वॉन्ट 2-3% मोर. यानी कहीं पे भी पैसा लगाए, यही चीज किसी के मन में चलता है. नंबर वन, मेरा पैसा है, हम इन्वेस्ट करें तो कुछ रिटर्न तो चाहिए. दूसरा, इन्फ्लेशन होने वाला है तो और ज्यादा चाहिए. तीसरा, डूब सकता है तो और ज्यादा चाहिए. यानी देयर आर 3 components ऑफ इंटरेस्ट रेट. व्हाट आर दे? 3 components ऑफ इंटरेस्ट रेट. जो पहला कॉम्पोनेंट है उसको बोलते हैं आर एफ रियल. आर एफ का तो मतलब समझ गए, रिस्क फ्री. रियल का मतलब विदाउट इन्फ्लेशन. रियल का मतलब विदाउट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सोचे बिना बताओ कितना रिटर्न चाहिए. ठीक है, तो वो बहुत ही कम होता है, इट इज अराउंड 3%. ठीक है, तो दूसरा होता है आर एफ नॉमिनल. नॉमिनल का मतलब हुआ इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन. आर एफ क्या था? रिस्क फ्री. रिस्क का बात ही नहीं हो रहा है, रिस्क फ्री रेट है, पर नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन सोच के. तो वो सपोज 9%. हाउ मच? 9%. तीसरा, आर ए नॉमिनल. आर ए माने क्या? रिस्क एडजस्टेड. वो था सपोज 12%. ठीक है, और बोलने को और एक हो सकता है, वो है आर ए रियल. क्या बोला? आर ए रियल, रिस्क एडजस्टेड रियल. रिस्क एडजस्टेड रियल का मन में सोचोगे, रिस्क एडजस्टेड मतलब रिस्क प्रीमियम आएगा, पर रियल मतलब इन्फ्लेशन नहीं आएगा. यानी तुम कहीं ऐसे जगह पैसा लगा रहे हो जहां पैसा डूब सकता है, तो रिस्क एडजस्टेड, पर इन्फ्लेशन तुमको सहना नहीं पड़ेगा, तभी तो रियल. तुम ऐसी जगह पैसा लगा रहे हो जहां पे पैसा डूब सकता है, यस, तो रिस्क एडजस्टेड चाहिए, पर इन्फ्लेशन सहना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या? रियल. रियल मतलब विदाउट इन्फ्लेशन, नॉमिनल मतलब विथ इन्फ्लेशन. तो अपने सम में इन्फ्लेशन कितना था? 6. ये रहा 3 और 9 का डिफरेंस, इन्फ्लेशन 6 है ना, और 9 और 12 में कंफ्यूजन हो रहा है. एक सेकेंड, फिगर चेंज कर रहा हूं, ये 8 लिख रहा हूं, सपोज ये 8, हाँ. तो इन दैट केस बोर्ड में देखिए आप, ये 3 और 8 में क्या चीज का डिफरेंस है? इन्फ्लेशन कितना है? 5.
और ये 8 और 12 में क्या चीज का डिफरेंस है, क्या चीज का डिफरेंस है? रिस्क प्रीमियम. 8 इज रिस्क फ्री, 12 इज व्हाट? रिस्क एडजस्टेड. तो ये 4% रिस्क प्रीमियम है. तो क्या तुम लोग गेस करके बोल सकते हो रिस्क एडजस्टेड रियल रेट क्या होगा? 7. समझ में आया? रिस्क एडजस्टेड का मतलब सर वो 4% रिस्क प्रीमियम लेना है, ओके, पर रियल था, नॉमिनल नहीं था. इसका मतलब वो जो 5% इन्फ्लेशन नहीं लेना है, और जो शुरू का 3% है वो तो लेना पड़ेगा ही ना. कहीं भी पैसा लगा रहे हैं, यू विल वांट दैट 3%. वेदर आपको 5% इन्फ्लेशन चाहिए या नहीं चाहिए डिपेंड्स. वेदर आपको 4% रिस्क प्रीमियम चाहिए या नहीं चाहिए दैट डिपेंड्स. ठीक है? तो यहां पे 3 + 4 से क्या आया? 7. 3% बिकॉज मैं अपना कंजम्पशन सेक्रीफाइस कर रहा हूं, कहीं पे पैसा लगा रहा हूं, और 4% बिकॉज मेरे को रिस्क इन्वॉल्व्ड है, पैसा डूब सकता है, तो मेरे को 7 चाहिए. ठीक है ना? तो क्या क्या वर्ड्स यूज किए अपने? एक वर्ड यूज किए आर एफ रियल, एक वर्ड यूज किए आर एफ नॉमिनल, एक वर्ड यूज किए अपने क्या? रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल, और एक वर्ड यूज किए क्या? रिस्क एडजस्टेड रियल. रिस्क एडजस्टेड रियल, इज इट ओके विथ यू? ये चारों वर्ड्स, ये जो चारों वर्ड यूज किए, फिर से बात कर लेते हैं. अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं जहां पे इन्फ्लेशन है पर रिस्क नहीं है, इन्फ्लेशन है पर रिस्क नहीं है, इनको नंबर कर रहा हूं, 1, 2, 3 and 4, ओके, 1, 2, 3 and 4. कहीं पैसा लगा रहे हैं वहां पे इन्फ्लेशन है, सफर करने वाले, पर रिस्क नहीं है, तो 1, 2, 3 and 4 में से कौन सा आंसर? 2, नो रिस्क, रिस्क नहीं है, ओके, इन्फ्लेशन है. तो जैसे तुमने सुना रिस्क नहीं है तो रिस्क फ्री, रिस्क नहीं है तो रिस्क फ्री, और इन्फ्लेशन है तो नॉमिनल, इन्फ्लेशन है तो नॉमिनल. कहीं पैसा लगा रहे जहां पे इन्फ्लेशन नहीं है पर रिस्क है, इन्फ्लेशन नहीं है तो नॉमिनल की रियल, रियल. रिस्क है तो क्या? रिस्क एडजस्टेड, कौन सा? 4, रिस्क एडजस्टेड रियल. और कहीं पैसा लगा रहे वहां पे इन्फ्लेशन और रिस्क दोनों नहीं है, इन्फ्लेशन भी नहीं है यानी रियल, रिस्क भी नहीं है, तो कौन सा? 1, रिस्क फ्री रियल रेट. और कहीं पैसा लगा रहे वहां पे इन्फ्लेशन भी है रिस्क भी है तो क्या? RA नॉमिनल. जिनको भी जरा सा फ्रिक्शन हो रहा है, जैसे ही इन्फ्लेशन चाहिए नॉमिनल, नहीं चाहिए रियल. रिस्क है तो रिस्क एडजस्टेड, रिस्क नहीं है तो रिस्क फ्री. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज सिंपल बट वेरी वेरी फंडामेंटल स्टफ, जिसके बिना आने वाले चैप्टर्स में तकलीफ हो जाता है. ठीक है? तो लेट्स राइट इट डाउन, लिखते हैं. ओके, वी आर राइटिंग डाउन. आपका हेडिंग दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये पार्ट वन चल रहा है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स का. अब इसके अंदर पॉइंट वाइज नोट चालू हो रहे हैं. पॉइंट नंबर वन, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. ठीक है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट के अंदर पहला एरो देखे, रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न. रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न शॉर्ट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में RF और सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं रियल. रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न RF रियल. ठीक है? डैश इट इज द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड. इट इज द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड व्हेन यू आर, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग in a situation where there is no dash and dash, what are they? There is no inflation and no risk. Okay, just to be clear,
तो अगर इन्फ्लेशन भी नहीं सहने वाले हो, रिस्क भी नहीं है, तो क्या 0% पे पैसा लगाओगे? नहीं सर, तब भी कुछ चाहिए। इन्फ्लेशन नहीं है, रिस्क नहीं है, तो क्या हम लोग ऐसे ही पैसा दे देंगे? नहीं, मेरा पैसा आज कंज्यूम कर सकते थे, तब भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो वो जो रिटर्न है वो है रियल, आरएफ रियल, आरएफ रियल, ठीक है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उसी में इट इज द रिटर्न रिक्वायर्ड, इट इज द रिटर्न रिक्वायर्ड, इट इज द रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर द, इट इज द रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, इट इज द रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, इट इज द रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। वर्ड समझ में आ रहा है? कोई भी पैसा तुम्हारे पास है, तुम आज उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगर तुम कहीं इन्वेस्ट कर रहे तो तुम अपना कंजम्पशन को बाद में करने वाले हैं, तो वाई वुड यू सैक्रिफाइस, यू वॉन्ट सम रिटर्न, ठीक है। तो आर एफ रियल, ब्रैकेट में लिख देना, ब्रैकेट में ब्रैकेट देखे, से 3%, से 3%, एक बार 3% मान लेते हैं, आप लोग को 100 के बदले 103 चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट एरो, इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम डैश, दिस इज द एक्स्ट्रा रिटर्न रिक्वायर्ड, दिस इज द एक्स्ट्रा रिटर्न रिक्वायर्ड, दिस इज द एक्स्ट्रा रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, दिस इज द एक्स्ट्रा रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, एक्स्ट्रा रिटर्न रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। ओके, ब्रैकेट में से 5%, इसको एक बार 5% मान ले रहे हैं। नेक्स्ट एरो, रिस्क प्रीमियम, नेक्स्ट एरो रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम डैश, इट इज द एक्स्ट्रा रिटर्न और कॉम्पेंसेशन रिक्वायर्ड, इट इज द एक्स्ट्रा रिटर्न और कॉम्पेंसेशन रिक्वायर्ड, इट इज द एक्स्ट्रा रिटर्न और कॉम्पेंसेशन रिक्वायर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, कॉम्पेंसेशन रिक्वायर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। कहीं पे भी रिस्क फेस कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, बिकॉज वी हेट रिस्क, फॉर बियरिंग रिस्क। ब्रैकेट में से 4%, से 4%, ठीक है। तो ये तीन कॉम्पोनेंट्स होता है, यही तीन चीज मन में चलता है जब कहीं पैसा लगाते हैं, और कितना रिटर्न चाहिए। तो पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, पॉइंट नंबर टू, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि पॉइंट नंबर वन था कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, पॉइंट नंबर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो टोटल में याद है आपको चार तरह का इंटरेस्ट रेट था, क्या क्या? पहला वाला रिस्क फ्री रियल, दूसरा वाला रिस्क फ्री नॉमिनल, तीसरा रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल, चौथा वाला रिस्क एडजस्टेड रियल, ठीक है। ओके, लिख दो, बेस्ड ऑन द कॉम्पोनेंट्स इन पॉइंट नंबर वन, बेस्ड ऑन द कॉम्पोनेंट्स इन पॉइंट नंबर वन, बेस्ड ऑन द कॉम्पोनेंट्स इन पॉइंट नंबर वन, कॉमा, देर आर फोर टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डैश, पैरा चेंज, पहला एरो देके लिख रहा हूं, आर एफ रियल। तो पहला वाला तो कॉम्पोनेंट ही रेट है, पहला कॉम्पोनेंट था ना, वही रेट बन गया। आर एफ रियल इक्वल टू 3% अपने सम में, फिर से एरो,
आरएफ नॉमिनल इक्वल टू 3 + 5 इक्वल टू व्हाट 8%. एक मिनट, यहां जो सिंबल दे सिंबल दोगे तो सिंबल में प्लीज ये सिंबल देना. इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, शो कर दिया और बड़े में अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल दिया है. ये 3 + 5 = 8 नहीं होता एक्चुअली, आंसर होता है 8.15, पर मैं वो बताने जा रहा हूं, आई विल टेल इट अ बिट लेटर. ठीक है, तो 3 और 5 = 8 एक बार चलेगा, बट ये अप्रोक्स है. ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड एरो आर ए, तो आर ए पर वर्ड लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज आर ए का फुल फॉर्म लिखे नहीं है. रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल. तो रिस्क एडजस्टेड पढ़ते ही पता चल गया सर रिस्क प्रीमियम 4% आएगा, और नॉमिनल पढ़ के पता चल गया सर इन्फ्लेशन 5 आएगा, और 3 तो आएगा ही. तो रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल इज 3 + 5 + 4. ऑफकोर्स ये भी अप्रॉक्स है. 3 + 5 + 4 क्या आया 12%. 3 + 5 + 4 12% अप्रॉक्स है. करेक्ट आंसर बाद में बताऊंगा, ठीक है ना. और लास्ट वाला क्या नाम था, आर लिख दे, रिस्क एडजस्टेड रियल. कोई कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो नाम ध्यान दें. रिस्क एडजस्टेड मतलब रिस्क प्रीमियम 4% आएगा, पर रियल मतलब 5% नहीं आएगा, और शुरू का 3 तो आना ही है. ठीक है, तो इक्वल टू 3 + 4. ओके, अप्रॉक्स का सिंबल है हर जगह. 7%. ठीक है, तो नीचे लिख ले नोट नंबर वन. रियल मीन्स विदाउट इन्फ्लेशन while nominal means with inflation. Real without inflation, nominal with inflation. Nominal with inflation. Note number two, लिखाने का जरूरत नहीं, फिर भी just to be on the safe side, लिख दो. Risk adjusted means with risk premium. ठीक है, और risk free को दिखाना illogical होगा, risk free तो word से दिख रहा है, without risk. Risk adjusted means with risk premium. Note number three के बगल में important mark करें. यहां ध्यान देना, 100 के बदले तुमको 103 चाहिए. तुम सोचा यार मेरा 100 रुपया है, हम किसी को दे रहे हैं, तो मेरे को 103 चाहिए. अगर इन्फ्लेशन और रिस्क नहीं है तो फिर ध्यान आया, नहीं, इन्फ्लेशन 5% होने वाला है, चीजों का दाम बढ़ जाएगा, तो मेरे को 5% और चाहिए. किस पे? लॉजिकली 100 पे कि 103 पे? सोचो, 100 रुपया किसी को दे रहे थे, मन में सोचे 3% एक्स्ट्रा चाहिए बिकॉज मेरा पैसा सेक्रीफाइस हो रहा है. फिर ध्यान आया 5% तो इन्फ्लेशन होने वाला है, तो चीजों का दाम बढ़ जाएगा, तो जब 103 रुपया लेके जाएंगे सामान खरीदने, तो उसका परचेसिंग पावर गिरा हुआ रहेगा. 100 का कि 103 का? पूरा 103 का. तो 5% आपको 103 पे चाहिए. किस पे? 103 पे. जो फीलिंग होता है ना ब्याज पे ब्याज, तो वो जो 3 पे भी 5% चाहिए. पर हम लोग तो लिख दिए थे 3 + 5, हम लोग लिखे थे 3 + 5. 3 का मतलब होता है 3% ऑफ 100, 5 का मतलब होता है 5% ऑफ 100, बट सर 5% तो 103 पे चाहिए, तो आप 3 पे 5% लिए ही नहीं, 0.15 मिस हो गया ना, 0.15 भी तो आएगा, यानी आंसर क्या होगा, 8.15. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे ऐड करना अलाउड नहीं है एग्जाम में, 3 + 5 = 8 अलाउड नहीं है, इट हैज टू बी 8.15. 8.15 का एक मैथ्स तो समझ में आ गया होगा, 3 + 5 + 5% ऑफ 3 लिखना मत, डिस्कस हो रहा है एक बार. आपको समझ में आया कि सर 3 + 5 + 5% ऑफ 3, सेटिस्फाई योरसेल्फ. 100 रुपया पे 3% चाहिए, 3 रुपया,
₹100 पे 5% चाहिए, ₹5, और सर ₹3 पे भी 5% चाहिए, 0.15 आ रहा है, करेक्ट। हाउएवर हैबिट क्या रखे, इसको ऐसे निकालेंगे अब से 1.03 इंटू 1.05 होल थिंग माइनस 1, कैलसी में निकाल लो एक बार, 1.03 इंटू 1.05 होल थिंग माइनस 1, तो इन दैट केस 0.0815 आ गया होगा, 0.0815 इज व्हाट परसेंट, 8.15%। ये जो चल रहा था बोर्ड पे, ये है ₹1 का हिसाब, किसका, ₹1, ₹100 का नहीं, ₹1 का हिसाब, ₹1 पे अपने को 1.03 चाहिए, जैसे 100 पे 103 चाहिए, 1 पे 1.03, अब 1.03 पे 5% चाहिए, 1.03 पे 5% कैसे आएगा, 1.03 इंटू 1.05। अब ये जो आया 1.03 इंटू 1.05, ये जो ब्रैकेट में है, ये तो 1.0815 आया, तो ये ब्याज आया कि ₹1 प्लस ब्याज आया, ₹1 प्लस ब्याज, बिकॉज ₹1 तो लेके चला, तो ₹1 हटाएंगे तभी तो जाके इंटरेस्ट आएगा ना, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको एक बार टोन में बोले, टोन में, तो टोन है फैक्टर इंटू फैक्टर माइनस 1, क्या फैक्टर इंटू फैक्टर माइनस 1, फैक्टर मतलब 1 प्लस आर, फैक्टर मतलब 1 प्लस आर, इंटरेस्ट रेट फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर का बात नहीं कर रहा हूं, इंटरेस्ट रेट का फैक्टर मतलब 1 प्लस आर, ओके। जैसे एक बार थोड़ा सा 2 मिनट रेट्स बोल रहा हूं आप लोग का न्यूमेरिकल पिकअप देखने के लिए, चालू करूंगा अच्छे रेट से, फिर गंदा गंदा रेट्स बोलूंगा, लेट्स सी हाउ क्विकली यू आर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। 5% माने 1.05, 7% माने 1.07, 11% माने 1.11, 2.2% माने 1.022, 5.73% माने 1.0573, माइनस 5% माने 0.95, माइनस 2% माने 0.98, ये बहुत काम का है, बिकॉज अल्टीमेटली जाके सम्स है, तो 1 रुपी का फ्यूचर वैल्यू जो ना तुरंत बोलना, ठीक है, अटके बिना, इज वेरी रिक्वायर्ड। देर वुड बी इलॉजिकल स्टफ अगर मैं बोलूं कि ऐसे किया करो 1 + R/100, यानी आदमी सजा सजा के लिखेगा, 2.2% बोले तो 2.2/100 करेंगे कैलसीएम, फिर 1 जोड़ेंगे, तब तक ये ऐसे नहीं चलेगा ना। तो सीएस आर कंसिडर टू पीपल जिनका नंबर क्रंचिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड कि आप ब्याज बोलते ही मेरे को 1 रुपी का फ्यूचर वैल्यू बोल पाओ। आई एम नॉट एबल टू शो इट राइट नाउ कैसे कैसे काम आता है, बट थ्रू आउट काम आता रहता है आपका ये पिकअप जो है ना, जो करवा रहे थे अभी कि 7% माने 1.07, 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो वंस अगेन, अगर आपको कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट को इंक्लूड करना है 3 और 5 को, तो 3 और 5 8 एग्जाम में अलाउड नहीं है, जो ऊपर लिखे थे वो गलत लिखे थे, ओके। करेक्ट मैथ से 1.03 इंटू 1.05 माइनस 1, माइनस 1 क्यों कर रहे हैं सबको समझ में आया, क्योंकि 1 रुपया तो प्रिंसिपल है ना, उसको हटाएंगे तभी तो ब्याज आएगा, करेक्ट। इसका टोन क्या है, टोन बहुत इंपॉर्टेंट है SFM में, सुनो SFM में या तो there will be 500 formulas, कि सर 500 formulas है, और या फिर there will be only 5 formulas, बाकी 495 formulas नहीं है, provided तुम टोन से prepare करो, factor into factor minus 1, क्या factor into factor minus 1, ओके, इसको मल्टीप्लीकेटिव मॉडल बोलते हैं, कौन सा मॉडल, मल्टीप्लीकेटिव, और अगर 3 + 5 कर रहे थे that was additive, तो कौन सा मॉडल एग्जाम में रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लीकेटिव, ठीक है। फिर से एक सेकेंड, अगर अपने को आपका जो डेटा था आप देख लो, एक रेट ये वाला निकाला था, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट हमने निकाला था ना, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट सबजन, ओके, 3 तो आएगा ही, और रिस्क एडजस्टेड है तो 4 भी आएगा, और नॉमिनल है तो 5 भी आएगा, 3, 4 और 5 का मैथ्स क्या हुआ, 1.03 इंटू 1.05 इंटू 1.04 माइनस 1 कर लो प्लीज, 1.03 इंटू 1.05 इंटू 1.04 जो आया द होल थिंग माइनस 1 जो आया इंटू 100, 12.476%, 12.476%, 12.476%, समझ गए, 12.476% इज द रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रिटर्न, ठीक है, इट्स फैक्टर इंटू फैक्टर माइनस 1। प्लीज कंप्लीट द पोएट्री इन दिस सेंटेंस, प्लीज कंप्लीट द पोएट्री इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंप्लीट माने मुंह जबानी, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अगर कॉम्पोनेंट्स को मिलाते समय, कॉम्पोनेंट्स को मिलाते समय एड करना अलाउड नहीं है,
फैक्टर इनटू फैक्टर माइनस वन करते हैं, इसका मतलब कंपोनेंट्स को हटाते समय, कंपोनेंट्स को हटाते समय डैश करना अलाउड नहीं है, माइनस करना अलाउड नहीं है, क्या करेंगे? डिवाइड। बिकॉज आया कैसे? मल्टीप्लाई से, तो हटेगा कैसे? डिवाइड से। फैक्टर डिवाइड बाय फैक्टर माइनस वन, क्या बोले? फैक्टर डिवाइड बाय फैक्टर माइनस वन। जैसे अभी आप लोगों ने आंसर बोला है 12 पॉइंट कितना, 12.47। इसके पहले वाला पकड़ते हैं, वो अपना आंसर था 8.15, याद है? 8.15 जो था वो नॉमिनल रेट था, नॉमिनल रेट 8.15% था, याद है? और इसमें इन्फ्लेशन 5% मिला हुआ था, ये भी याद होगा, इसमें इन्फ्लेशन 5 मिला हुआ था। अगर अपने को 8.15 में से 5 हटाना है, हटाना है, रियल निकालना है, क्या निकालना है? रियल, तो माइनस नहीं कर सकते बिकॉज ऐड थोड़ी किए थे, तो क्या करेंगे? डिवाइड। किसको? रेट को कि फैक्टर को? फैक्टर को। यानी फैक्टर क्या है? 1.0815, करेक्ट है, डिवाइड बाय 1.05, द होल थिंग माइनस वन, करें प्लीज, 1.0815 कैलसी पे करें, डिवाइड बाय 1.05 जो आया माइनस वन, तो आ गया होगा 0.03, समझ गए? ठीक है, तो 1.0815 डिवाइड बाय 1.05 माइनस वन। प्लीज ये डाउट नहीं है ऐसा, ये तो समझ में आ गया था कि वो फैक्टर इनटू क्यों करते हैं, ये नहीं समझ में आया डिवाइड क्यों करते हैं, उसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है ना, वही जो आप इनटू से आए थे पीछे जाएंगे तो डिवाइड से ही तो हटेगा, वो आया ही था वैसे, ठीक है? तो हटाने के लिए फैक्टर से डिवाइड, मिलाने के लिए फैक्टर से मल्टीप्लाई, और ये अलग से माइनस वन क्यों हो रहा है, आई होप ये क्लियर है, बिकॉज पूरे के पूरे टर्म में ये जो पार्ट है ये ब्याज थोड़ी है, ये तो वन प्लस ब्याज है, तो वन नहीं हटाएंगे तो ब्याज कैसे आएगा, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है? तो इस तरह से रेट से डील किया जाता है। हाउएवर बिफोर डिक्टेटिंग द सेम, नोट नंबर 3 चल रहे हैं ना अपना, हाँ, डिक्टेट करने के पहले जस्ट वन कॉशन, कुछ कुछ मॉडल्स है चैप्टर्स में, मॉडल्स, जैसे एक मॉडल आप लोग का किया हुआ है, ऑल्दो बहुत क्वेश्चनेबल तरीके से किया रहता है इंटर में, CAPM, ठीक है, जिसका इक्वेशन था RE इज इक्वल टू व्हाट, RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा, ये फॉर्मूला देखा हुआ याद आ रहा होगा, आई एम नॉट वांटिंग टू गो इनटू दिस फॉर्मूला राइट नाउ, ठीक है? तो डू नॉट एट ऑल इवैल्यूएट मी लेटर कि सर CAPM आप कराए थे वो समझ में नहीं आया, मैंने नहीं कराया है, आई एम नॉट डन इट एट ऑल, मैं तो सिंस मेरे को पता है याद होगा थोड़ा बहुत ऐसा किया हुआ बिकॉज ऑफ विच मैंने लिखा। अब इसमें देखो ये क्या है, RF, अपने भी तो RF कर रहे थे, और ये है रिस्क प्रीमियम, ये क्या है? रिस्क प्रीमियम, तो ये जो निकल रहा है ये रिस्क एडजस्टेड रेट निकल रहा है, और बीच में क्या है? प्लस, तो CAPM एक एडिटिव मॉडल है, वो एक्सेप्शन है टू द नॉर्मल डिस्कशन, समझ गए? कोई चीज का होता है ना कि ऐसे 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 करना, बट सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, तो CAPM एक्सेप्शन है जहां पे ऐड किया गया, खैर स्टूडेंट के वो माइंड में ही नहीं आता है, बिकॉज स्टूडेंट जब CAPM करता है उसको तो फॉर्मूला पता रहता है, तो इट डजंट क्लिक इनटू हिज माइंड, कोई बहुत कंसेप्चुअल स्टूडेंट है तो वो बाद में सोचता है यार सर तो वहां बोले थे मल्टीप्लाई बट प्लस होता है, तो उसका रीजन है उसका अजम्पशंस पे, जो मैं अभी नहीं करवा रहा हूं। तो मैं बोलना चाह रहा हूं हर जगह मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, प्लस माइनस नहीं करना है, बट देर आर सम एक्सेप्शंस लाइक CAPM, लाइक CAPM, इज इट ओके? लिख दो नोट नंबर 3, the various components of interest rate, the various components of interest rate, the various components of interest rate, various components of interest rate are not allowed to be, are not allowed to be are not allowed to be added, are not allowed to be added, dash, hence we had used approximate sign, SIGN, hence we had used approximate sign, hence we had used approximate sign, we had used approximate sign in the formulas above, in the formulas above.
in the formulas above, full stop. Instead, we use multiplicative model. Instead, we use multiplicative model. We use multiplicative model. Multiplicative model. Full stop. Parachange. लिख रहे हैं RF nominal. RF nominal equal to 1.03 into 1.05 whole thing minus 1. ठीक है, equal to 0.0815, that is 8.15%. 1.03 into 1.05, the whole thing minus 1. 8.15%. Next line. RA nominal. Risk adjusted है तो 4 भी आएगा, nominal है तो 5 भी आएगा और 3 तो आएगा ही. तो 3, 4 और 5 तीनों को लेना है. तो 1.03 into 1.05 into 1.04, whole thing minus 1. 1.03 into 1.05 into 1.04, whole thing minus 1. क्या आया? 0.12476 equal to 12.476%. 12.476%. Next, RA real. Risk adjusted है, मतलब 4 आएगा. रियल है मतलब 5 नहीं आएगा. तो इक्वल टू 1.03 इंटू 1.04 माइनस 1 इक्वल टू 0.0712, बिकॉज 4 और 3 12 होते. 0.0712 इक्वल टू 7.12%. 0.0712 दैट इज 7.12%. ठीक है, इसका मतलब नीचे रख दें. टोन, टोन हो गया फैक्टर इनटू फैक्टर माइनस 1. फैक्टर का मतलब क्या होता है? 1+R. तो कहीं कहीं हफ्ते इस तरह का नोट्स बनाते हैं जहां पे टोन मिले, बिकॉज इससे कोई थियरी तो आने वाला है नहीं जो ऊपर नोट्स चल रहे हैं, तो उसको बहुत डेकोरेट करके लिखने में सेंस नहीं है. फैक्टर इनटू फैक्टर माइनस 1. ठीक है, पैराचेंज सिमिलरली. Parachange, similarly, when we are removing a component, comma, the tone would be, when we are removing a component, comma, the tone would be factor divide by factor, minus 1. फैक्टर डिवाइड बाई फैक्टर माइनस 1. यस बोलिए, और जो भी है सॉरी नंबर देखे नहीं. फैक्टर डिवाइड बाई फैक्टर माइनस 1. ठीक है, रिमूव करते समय ये टोन है. फैक्टर बाई फैक्टर माइनस 1. पैराचेंज एग्जाम्पल. लेट्स कैलकुलेट आर एफ रियल फ्रॉम आर एफ नॉमिनल. Let's calculate RF real from RF nominal. तो लिख दो RF real is equal to 1.0815 divide by क्या हटाना है? Inflation. 8.15% में से inflation हटाना है तभी तो real आएगा. तो divide by 1.05 whole thing minus 1. ठीक है, 8.15 में से 5 हटाना था तो माइनस नहीं किए, डिवाइड किए, तो आंसर आ गया 3%. 0.03 इक्वल टू 3%. 3%. ठीक है, ओके. एक केवल टेस्ट कर लेता हूं कि रिदम आ रहा है क्या. लिख दो एग्जांपल नीचे. एग्जांपल है risk
फ्री नॉमिनल रेट, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट इक्वल टू 17.2%, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट 17.2%। नेक्स्ट लाइन, इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम 9%, रिस्क प्रीमियम 6%। नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेट रिस्क एडजस्टेड रियल रेट, कैलकुलेट रिस्क एडजस्टेड रियल रेट, कैलकुलेट रिस्क एडजस्टेड रियल रेट। यस प्लीज आंसर निकालो, वेट कर रहा हूं। रिस्क एडजस्टेड रियल रेट निकालना है। एक जन आंसर बोल रहे 14.97, हो सकता है राइट हो, चेक कर ले। 13.97 शायद बोल रहे, 13.97 यही आ रहा है क्या सबका? बाय चांस किसी का भी अगर ध्यान नहीं चल रहा है तो अंडरस्टैंड, एक एक वर्ड पे फोकस करो, ठीक है? कि सर ये रिस्क फ्री है और अपने को निकालना क्या है, रिस्क एडजस्टेड, ऐसे सोचने का तरीका है। यानी अपने को रिस्क प्रीमियम इंक्लूड करना है, यानी सर ये 17.2 में अपने को 6 को डालना है, और डालते कैसे है, मल्टीप्लाई, और सर ये नॉमिनल रेट है नॉमिनल, और अपने को निकालना कौन सा रेट है रियल, यानी अपने को इन्फ्लेशन हटाना है। ये सोचने का तरीका है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहे तो ठीक है, तोड़ तोड़ के सोचना पड़ेगा। तो ये रिस्क फ्री रेट है, हमको रिस्क एडजस्टेड निकालना है, तो ये 6% इसमें मिलाना है, 17.2 में मिलाना है, यानी फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। बट ये नॉमिनल रेट है, मेरे को रियल निकालना है, रियल तो इन्फ्लेशन हटाना है, तो इसलिए 9 क्या होगा, डिवाइड होगा फैक्टर, यानी 1.06 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, और 1.09 का फैक्टर क्या होगा, डिवाइड। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यानी आंसर क्या होगा, 1.172 इंटू 1.06 डिवाइड बाय 1.09, और जो आया द होल थिंग माइनस 1। समझ गए, लिख दो आंसर है 1.172। अब इसके अंदर रिस्क डालना है तो इंटू 1.06 डल गया रिस्क, इसके अंदर से इन्फ्लेशन उतारना है तो डिवाइड बाय 1.09 द होल थिंग माइनस 1, क्या आया 13.97। दिस इज कमिंग टू 0.1397, 0.1397 इक्वल टू 13.97%, 13.97%। यू आर द बेस्ट जज ऑफ आपका कितना फ्लुएंटली हो पा रहा है। यहां पे दो चीज में कोई अटक रहा होगा तो अटक रहा होगा, नंबर वन तो रिस्क फ्री रिस्क एडजस्टेड पकड़ ही नहीं पा रहे, तो यू नीड टू जस्ट ब्रेक इट डाउन, रिस्क फ्री विदाउट रिस्क, रिस्क एडजस्टेड विथ रिस्क, नॉमिनल विथ इन्फ्लेशन, रियल विदाउट इन्फ्लेशन, और दूसरा मैथ नहीं पकड़ पा रहा होगा कि जो फैक्टर बना रहे हैं तो उसका थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर, एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसका चाह के भी 50 सम्स नहीं कर सकता हूँ, अंडरस्टूड, बिकॉज इट्स सेंसलेस। ये सब काम आएगा तो अगर माइंड में जा रहा है आपके अपने आप ध्यान आएगा, नॉमिनल याद है तुम लोग को, रियल याद है जब चैप्टर्स करेंगे तो। वैसे और एक एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट इक्वल टू 14.62%, 14.62% उसका
उसके बाद रिस्क प्रीमियम 5%, उसके बाद इन्फ्लेशन प्रीमियम 4%। कैलकुलेट रिस्क एडजस्टेड रियल रेट, कैलकुलेट रिस्क एडजस्टेड रियल रेट। कैलकुलेट रिस्क एडजस्टेड रियल रेट। क्या इंफॉर्मेशन फालतू का दिया है? सब में क्या इंफॉर्मेशन फालतू का दिया है जो देना ही नहीं चाहिए था? रिस्क प्रीमियम ना, ठीक है, बिकॉज यू नो एग्जाम में तो होता ही है कि बहुत सारा रिडंडेंट यूजलेस इंफॉर्मेशन सब में रहता है, ठीक है। आपको रिस्क एडजस्टेड रेट दिया हुआ है ये रहा, और आपको रिस्क एडजस्टेड ही निकालना है। इसका मतलब कुछ भी पांच के साथ कर दिए तो सब रॉन्ग हो जाएगा। पांच तो ऑलरेडी मिला हुआ है और आंसर मिला हुआ रहना चाहिए। हाँ, पर नॉमिनल दिया हुआ और निकालना क्या है? रियल। तो मन में आना चाहिए फीलिंग इन्फ्लेशन हटाना है, पर हटाते कैसे है? माइनस करके कि डिवाइड करके? डिवाइड। डिवाइड क्या करते हैं, रेट या फैक्टर? फैक्टर। अकॉर्डिंगली द आंसर इज 1.1462 डिवाइड बाय 1.04 माइनस 1। 1.1462 डिवाइड बाय 1.04 द होल थिंग माइनस 1। यस प्लीज। 10.21, 0.1021 आया, मतलब 10.21%, 10.21%, ठीक है। तो 10.21%, तो लिमिटेशन समझना क्लास का। देर आर टॉपिक्स इंडिविजुअल चैप्टर्स में विच आर रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, एंड देयरफॉर उनका सम्स अपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जिससे कि एकदम रिदम में आ जाए। बट दिस डज नॉट कम डायरेक्टली, तो इन दैट केस वी कैन नॉट हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन दिस। You have to understand it to the point. Real, nominal, हाँ clear है यार। Risk free, risk adjusted clear है। और सर बोले divide multiply से होगा, plus या minus allowed नहीं है, ठीक है। और एक last note दे दो, note. Of course, there are certain exceptions. Where we use additive model. Additive, माने plus minus करते हैं. Where we use additive model. Example, CAPM. Capital Asset Pricing Model. CAPM में बीच में plus sign है, ठीक है। तो किसी को confusion हो, हाँ कुछ कुछ है वहां पे, क्यों है वो भी assumptions है वहां का जो अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको components of interest rate समझ में आ गया और types of interest rate समझ गया मैं आ गया, ठीक है। थ्रू आउट द पोर्शंस काम आएगा। पॉइंट नंबर क्या थ्री ना, नोट चला गया। पॉइंट नंबर वन था कॉम्पोनेंट्स, पॉइंट नंबर टू था टाइप्स, उसके अंदर चार पांच नोट हुआ। अब पॉइंट नंबर थ्री लिखना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ब्रैकेट DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ब्रैकेट DCF टेक्निक। डिस्काउंटेड कैश फ्लो ब्रैकेट DCF टेक्निक, ओके। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, DCF टेक्निक, ओके, डिस्कस कर रहा हूं। जब भी अपने कोई पैसा आगे खड़ा है, यार ये नंबर लाइन है, दिस इज द नंबर लाइन, वी आर स्टैंडिंग एट द जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम, और कोई पैसा nth पॉइंट ऑफ टाइम पे CN यहां खड़ा है, और इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एक सर्टन रेट से R, आंसर आया PV। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग, बिकॉज आप PV करते हो तो ब्याज मिला रहे हो कि ब्याज हटा रहे हो? थिंक अबाउट इट, जब कोई कैश फ्लो का PV कर रहे हैं तो उसमें से ब्याज हटा रहे हैं और प्रिंसिपल निकाल रहे हैं एक तरह से। इट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग बिकॉज इट गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली नोबडी कंसिडर्स दिस टू बी ए फॉर्मूला,
कि पी वी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइड बाय 1 + r^n. ये सब कोई फॉर्मूला नहीं मानते, ये इन द प्रोसेस होता है मन में, हाँ यार डिस्काउंट कर रहे हैं. और इनफैक्ट अपने तो ऐसे करने के बजाय करते हैं, इक्वल टू वॉट एफ वी इंटू वॉट डिस्काउंटिंग फैक्टर r, n. ये तो करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलसी में निकाला और इंटू वॉट जो अमाउंट था, करेक्ट. खैर पहले डीसीएफ का मतलब समझ लें. डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इसका मतलब है एनी एसेट इज मैथमेटिकली डिफाइंड टू बी समथिंग विच विल जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो. एसेट का मैथ्स का डेफिनेशन क्या हो गया, विच विल जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो. ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लो. तो स्टॉक है, इफ यू बाय अ स्टॉक अ शेयर यू विल गेट फ्यूचर डिविडेंड. इफ यू बाय अ बॉन्ड यू विल गेट रेगुलर कूपन. ठीक है, इफ यू बाय अ प्लांट एंड मशीनरी यू विल यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और वो गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के पैसा आएगा. पर अल्टीमेटली एसेट का मतलब फ्यूचर कैश फ्लो. इन ऑर्डर टू गेट द फ्यूचर कैश फ्लो, वो कैश फ्लो पाने के लिए हम लोग आज एसेट बाई करते हैं, तो हम लोग उस एसेट का क्या दाम देने तैयार हैं. वो जो पैसा आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू, वो जो पैसा आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए जो आर यूज करेंगे वो चार तरह का आर हो सकता है जो कर लिए आज. प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए जो आर यूज करेंगे वो चार तरह का आर हो सकता है. पहले एग्जांपल में या तो वो 3% या 8.15, ठीक है, या 7.12 और या फिर 12.476, जो भी था. चार तरह का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है. कौन सा यूज करना है ये भी समझ में आ गया सर. डूबने का डर है तो रिस्क लेंगे, इन्फ्लेशन सफर करने वाले हैं तो नॉमिनल लेंगे, इन्फ्लेशन नहीं सफर करने वाले हैं तो रियल लेंगे. आपको वो समझ में आ गया. अब बात है पुल करना है, और जो आंसर आएगा पुल करके जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं शुड बी प्राइस ऑफ द एसेट. क्या शुड बी, तो वर्ड्स पता चल रहा है, शुड बी प्राइस यानी एसेट का दाम क्या होना चाहिए. वो जो होना चाहिए दाम, दैट इज कॉल्ड इंट्रेंसिक वैल्यू. व्हाट वैल्यू? इंट्रेंसिक वैल्यू विद डिनोटेड बाय IV0. अपने उसको डिनोट करते हैं IV0 से. IV0 इंट्रेंसिक वैल्यू टुडे, मतलब आज उस एसेट का दाम क्या होना चाहिए. तो अगर मैं लिखता हूं बोर्ड पे इंट्रेंसिक वैल्यू इज इक्वल टू C1/1+r प्लस C2/1+r द होल स्क्वायर प्लस --— CN/1+r द होल पावर n, करेक्ट. C1, C2, C3, C4 सबको टानते हैं. ये जो पुल करने वाला चीज है, ये आप लोग ज्यादातर IPCC में कैबज के टाइम पे ऐसे टेबल्स में किए हुए हो. इयर्स 1, 2, 3, 4 ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट से जो कैश फ्लो आएगा, ठीक है, वो कैश फ्लो अपने को पता है क्या आएगा. और उसके बाद अपने यहाँ पे कॉलम बनाते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर का, ठीक है ना, और उसके बाद फोर्थ कॉलम बनाते हैं क्या, PV. तो C1 × D1, C2 × D2, C3 × D3, समझ गए. तो इन दैट केस ये मैकेनिकली एकदम फटाफट निकल जाते हैं. ध्यान आ रहा होगा ये सबको, बिकॉज ऑब्वियसली इस तरह का पोर्शन किया हुआ होगा. ऑल्दो वी विल रिविजिट द सेम. तो DCF इसको बोलते हैं, ठीक है ना, वी कॉल इट DCF. अब ये जो आया, ये आंसर IV0 है. व्हाट इज दिस IV0? सपोज ये आया 720, तो सर इस एसेट का दाम 720 होना चाहिए. अब इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो P0 है. क्या है वो? P0. P0 माने एक्चुअल प्राइस टुडे. IV0 इज द शुड बी प्राइस. P0 इज द एक्चुअल प्राइस. अगर एक्चुअल प्राइस IV0 से कम है, यानी इसका प्राइस जो है 680 है, 680, तो द एसेट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड. अंडर प्राइस्ड सस्ता है, 720 दाम होना चाहिए, 680 में मिल रहा है, तो वी शुड वॉट बाय. ओके, वी शुड बाय. बाय को बोलते हैं लॉन्ग. बाय को बोलते हैं लॉन्ग, लॉन्ग पोजिशन. LONG लॉन्ग मीन्स बाय. और अगर एसेट का दाम ज्यादा है, 780 है जबकि 720 होना चाहिए, तो इन दैट केस वी शुड, बट द एसेट इज वॉट ओवर प्राइस्ड. द एसेट इज वॉट ओवर प्राइस्ड. वी शुड सेल द एसेट. वी शुड सेल द एसेट. सेल को बोलते हैं शॉर्ट. सेल को बोलते हैं शॉर्ट, ठीक है. तो और अगर एसेट का दाम 720 है और 720 होना चाहिए, द एसेट इज फेयरली प्राइस्ड. द एसेट इज फेयरली प्राइस्ड. यू मे होल्ड द एसेट. यू मे होल्ड द एसेट. आपके पास है तो आप होल्ड कर लो, ठीक है. तो लॉन्ग पोजिशन या शॉर्ट पोजिशन का डिसीजन लिया जाता है बाय कंपेयरिंग P0 विथ IV0. P0 विथ
आई वी जीरो, पी जीरो दिया हुआ रहेगा, आई वी जीरो डी सी एफ से निकालना पड़ेगा, डी सी एफ मतलब अपने इंटर का कैबज हो गया, ठीक है, माने ईयर्स 1, 2, 3, 4 और कैश फ्लो लिख के उसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो अपने किए दो पॉइंट्स, वो दो पॉइंट्स क्या था सर, वो पुल किससे करेंगे, वो पुल किससे करेंगे, वो आर मैंने सिखाया कि चार तरह का आर होता है, तो ध्यान देके डिसाइड करें। और जो अब कर रहे हैं वो तो इजी है, मैथ्स से कैलकुलेटर एक्सरसाइज है कि सर पुल करना भी तो आना चाहिए ना, करेक्ट। एक सेकेंड डाइवर्ट कर लूं, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर स्टार्टिंग में मैं देख रहा था तो मेरे को आवाज से ऐसा लग रहा था कि करीबन 50-60% ऑफ द पीपल वेर टोटली कंफर्टेबल, वो लोग अपने आप ही जवाब दे रहे थे, बाकी 40% आई वॉज नॉट श्योर, हो सकता है किसी को नहीं आता हो, एक बार डिस्कस कर लें। जो डिस्काउंटिंग फैक्टर अपने निकालते हैं 12.5%, ठीक है ना, तो अपने अज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट को पता है कि फाइनेंस में आपको वो वाला कैलकुलेटर यूज करना चाहिए जिसमें जीटी का बटन हो, ठीक है, मेमोरी से भी किया जा सकता है बट दैट्स वेरी इनएफिशिएंट, अपना मेमोरी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वी शुड यूज अ कैलकुलेटर जिसमें वो ग्रैंड टोटल का बटन हो जीटी का, ठीक है, इट्स प्रेफरेबल, इट्स स्मार्ट। तो इन दैट केस 12.5, ओके, किसको निकालना आता है, बहुत जो निकाले थे ना 12.5, कोई हैंड रेज कर ले प्लीज, ठीक है। तो इन दैट केस क्या आप शेयर करोगे, आप कैल्सियम में क्या करते हो, 12.5 का डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलिए जोर से, आपको बोल रहा हूं, हाँ, 1 डिवाइड बाय 1.12 देन इक्वल टू 5 बार और फिर जीटी, तो जीटी करके ना एन्युइटी फैक्टर आ जाएगा, वो तो बात कर रहे सेट। तो इसका मतलब शी इज टेलिंग 1 डिवाइड बाय 1.12 देन इक्वल टू 5 बार, दैट्स इट, ओके, बिकॉज अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना है 1 बाय 1.12 पावर व्हाट 5, ये निकालना है। तो 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू 5 बार, दैट्स डिस्काउंटिंग फैक्टर। होप सबका आ रहा होगा, सब ट्राई कर ले प्लीज, क्या आंसर है, 0.5674। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट वी कैन अपग्रेड टू हाई लेवल डिस्कशन, ठीक है, 0.5674। और अगर ऐसा है, ध्यान देना, कि अपने पास 40 लाख आने वाला है 5 बार, 40 लाख हर साल आने वाला है और ऐसे करके 5 बार, तब तो ये एन्यूटी हो गया, ओके, तब तो एन्यूटी हो गया। तो एन्यूटी में तो D1, D2, D3, D4, D5 पांचों यूज होगा, 40 लाख के लिए D1, नेक्स्ट 40 के लिए D2, बट कौन सारा यूज करेगा, इंस्टेड उनको ऐड करके अपने को चाहिए कि काश इनका ऐड करके आ जाता जो कि GT से आता है, किसे, GT, उसको अपने बोलते हैं एन्यूटी फैक्टर, या एग्जाम में दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PVAF, PV, ये A वर्ड क्या था, एन्यूटी फैक्टर, ओके, PVAF, एन्यूटी फैक्टर, ठीक है। तो और डिस्काउंटिंग फैक्टर इज व्हाट, PVIF, ठीक है, तो PVIF, तो एन्यूटी फैक्टर के लिए अपने जीटी वाला बटन यूज करते हैं जिससे टोटल आ जाए, वो एन्यूटी फैक्टर क्या आ रहा है 12.5 का, 3.6047 आ रहा है। 3.6047 क्या है, 1 रुपया का पीवी या 1-1 रुपया 5 बार का पीवी, 1-1 रुपया 5 बार, तो 5 रुपया हुआ ना उसका पीवी, 3.6047, और केवल 1 रुपया जो 5 साल बाद खड़ा उसका पीवी वॉज 0.5674। ये क्विंट एसेंशियल है, एंड ऐसा कोई अगर कोई जानता है तो बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं जानता है तो बहुत बड़ी बात है, यू अंडरस्टैंडिंग, वैसा चीज है। तो वी कैन नॉट ओवर एम्फसाइज ऑन दिस, ऑब्वियसली बाई चांस किसी को नहीं आता है तो मेरे से 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं बाद में, बट अदरवाइज क्लास लेवल पे मोटा मोटी बता के मैं आगे बढ़ूंगा, आई कांट स्टॉप अवे एंड कीप ऑन स्पेंडिंग टाइम, ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है समझ में आ गया, और उस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर एन्यूटी फैक्टर काम आएगा, ठीक है, लेट्स राइट डाउन पॉइंट नंबर थ्री में DCF, उसके अंदर बुलेट वाइज देख रहे हैं, फर्स्ट बुलेट, पहला बुलेट, an asset is defined as something which generates future cash flows,
An asset is defined as something which generates future cash flows. Something which generates future cash flows. Future cash flows, full stop. The intrinsic value, spelling normally INTRINSIC, the intrinsic value, bracket mein, that is should be price, bracket mein, that is should be price, bracket close. The language chal raha tha, the intrinsic value, bracket something, of an asset. Bracket ke baad, of an asset. The intrinsic value of an asset is the present value of the future cash flows. Is the present value of the future cash flows. Is the present value of the future cash flows. Discounted at the required rate of return. Discounted at the required rate of return. Discounted at the required rate of return. ये जो लिखा required rate of return वहीं पे bracket खोलो और लिख दो RF real और RF nominal और RA real और RA nominal. तो इससे तुम समझ में आएगा कि पॉइंट नंबर वन एंड टू क्यों करवाए थे, बिकॉज वहीं से तो पता चलेगा किस रेट से पुल करना है. उन चारों में से एक रेट से पुल करना है. गवर्नमेंट को लेंड कर रहे हैं तो रिस्क फ्री रेट यूज करेंगे, कॉरपोरेट को लेंड कर रहे हैं तो रिस्क एडजस्टेड रेट यूज करेंगे. जहां पे पैसा लगा रहे हैं वहां पे इन्फ्लेशन का चिंता है तो नॉमिनल, इन्फ्लेशन का चिंता नहीं है तो रियल. ठीक है ना, फुल स्टॉप. ब्रैकेट क्लोज किया, फुल स्टॉप. आईवी जीरो इक्वल टू सी वन डिवाइड बाय वन प्लस आर प्लस सी टू डिवाइड बाय वन प्लस आर होल स्क्वायर प्लस करते करते सी एन डिवाइड बाय वन प्लस आर पावर एन. ओके, सी एन डिवाइड बाय वन प्लस आर पावर एन. नोट नंबर वन, इफ सी वन सी टू डैश 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 सी एन, इफ सी वन कॉमा सी टू कॉमा डैश 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 सी एन आर डिफरेंट, इफ सी वन सी टू डैश 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 सी एन आर डिफरेंट कॉमा, वी यूज डिस्काउंटिंग फैक्टर, वी यूज डिस्काउंटिंग फैक्टर, we use discounting factor, full stop. एक बार table format दिखा दो. years एक दो dash 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 n cash flow c1 c2 dash 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 cn discounting factor d1 d2 डैश 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 डी एन और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू. ये आंसर आया, दिस इज आई वी जीरो. तो सिंस आपका कैपिटल बजटिंग किया हुआ होगा जरा सा, तो कैबज में क्या करते थे, ये निकालने के बाद इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करते थे, लेस, और लेस करके जो आता उसको बोलते हैं एनपीवी. पर इन दी एस एफ एम करिकुलम कैबज तो है नहीं, यहां पे तो स्टॉक्स होगा बॉन्ड्स होगा, तो इसमें से भी तो देखा जाए, इसमें से स्टॉक का वैल्यू लेस कर सकते हैं. जैसे प्रोजेक्ट अगर बाई करेगा तो पैसा लगेगा, स्टॉक बाई करेगा तो पैसा लगेगा, तो स्टॉक का वैल्यू जो प्राइस है वो लेस करके और तुम उसका एनपीवी निकाल सकते हैं. बट दैट्स नॉट डन. ओके, ऑल्दो कंसेप्चुअली कुछ रॉन्ग नहीं है, क्योंकि शेयर ट्रेड होता है बाजार में, प्रोजेक्ट ट्रेड होता है क्या? शेयर बाजार में ट्रेड होता है, प्रोजेक्ट ट्रेड नहीं होता है. तो प्रोजेक्ट में वी कांट यूज द वर्ड द प्रोजेक्ट इज अंडर प्राइस्ड गो लॉन्ग. तो इसलिए वहां पे वर्ड क्या यूज है, माइनस करके एनपीवी निकाल लो. पॉजिटिव आया वायबल, नेगेटिव आया नॉट वायबल,
बट स्टॉक्स और बॉन्ड तो बाजार में ट्रेड हो रहे ना, तो द लैंग्वेज इज डिफरेंट. वी कंपेयर दिस विद द प्राइस एंड देन कमेंट अपॉन लॉन्ग या शॉर्ट. समझ गए? अदरवाइज तरीका सेम है. इट इज द सेम एनपीवी गोइंग ऑन. ठीक है ना? ओके, आई विजर आ गया. नेक्स्ट नोट नंबर टू. नोट नंबर टू में इफ C1, C2, dash, 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 CN are all equal. If C1, comma, C2, dash, 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 CN are all equal, bracket mein say 40,000 each, bracket mein say 40,000 each, suppose sab 40-40 ja rahe, say 40,000 each, bracket close, comma, we use annuity factor, annuity factor dash next line IV0 equal to 40,000 into PVAF bracket R comma N. तो फिर टेबल ड्रॉ नहीं करते, सीधा एन्यूटी फैक्टर कैल्सियम निकाल के इंटू 40,000. ठीक है, 40,000 इंटू एन्यूटी फैक्टर R कॉमा N. ठीक है, सेकेंड बुलेट. Compare IV0 with P0. P0 माने actual market price. IV0 should be price था. Compare IV0 with P0. Dash, next line. So case one. P0 less than IV0. Actual price कम है. मैंने सिंबल दिया है इंप्लाइज एसेट इज अंडर प्राइस्ड. लिख दो, इंप्लाइज दैट एसेट इज अंडर प्राइस्ड. एसेट सस्ता है, जो दाम होना चाहिए था उससे भी सस्ते बिक रहे हैं. एसेट इज अंडर प्राइस्ड एंड इन्वेस्टर शुड बाय. ब्रैकेट में दैट इज गो लॉन्ग. इन्वेस्टर शुड बाय ब्रैकेट में दैट इज गो लॉन्ग. केस टू, लैंग्वेज का टोन अपने आप कंप्लीट कर लो. P0 ग्रेटर देन IV0, प्लीज फिनिश अप द लैंग्वेज यूर सेल्फ. ओके, लैंग्वेज अपने आप कर लो, डिक्टेट नहीं कर रहा हूं. ठीक है, द एसेट इज ओवर प्राइस्ड एंड इन्वेस्टर शुड व्हाट, सेल द एसेट. ब्रैकेट में गो शॉर्ट. ठीक है, गो लॉन्ग माने बाय, गो शॉर्ट माने सेल, बिकॉज वर्ड जानना पड़ेगा ना, सम्स के अंदर रहेगा लॉन्ग और शॉर्ट. केस थ्री, P0 इक्वल टू IV0 इंप्लाइज एसेट इज फेयरली प्राइस्ड. P0 इक्वल टू IV0 इंप्लाइज एसेट इज फेयरली प्राइस्ड. एंड इन्वेस्टर में होल्ड द सेम. अगर है तो होल्ड कीजिए. इन्वेस्टर में होल्ड द सेम. ठीक है, तो अभी इसका एग्जाम्पल नहीं किए हैं कोई भी, केवल नोट्स बनाए हैं DCF का. ठीक है, अपने 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं. ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक है.